हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम बात करेंगे हमारे बचपन के साथी कार्टून नेटवर्क की। जी हाँ, ये हमारा वही साथी है जिस पर टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू बी डू, पावर पफ गर्ल्स मैं नहीं देखता था कसम से, करेज द कावर्डली डॉग शो, ये सब देखकर हम बड़े हुए हैं। हमने उसका रेवेन्यू फ्रॉम जीरो इन 1992 टू 500 मिलियन इन ईयर 2000 पहुंचाया था। अब काफी तगड़ी ग्रोथ थी राइट, लेकिन इतनी ज्यादा ग्रोथ सिर्फ 8 साल में कैसे? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई थी उन्होंने कि वो इतने सक्सेसफुल रहे? और उसके बाद ये जितना ऊपर गए ना, ये उतना ही नीचे गिर गए, और ऐसा क्यों हुआ आखिरकार? क्यों आखिर कार्टून नेटवर्क के वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ने खड़े खड़े रिजाइन करके कार्टून नेटवर्क को छोड़ दिया? और जब ये इतना गिर गया था, कार्टून नेटवर्क का नाम कोई लेना भी नहीं चाहता था, वो आज कैसे 19.47 बिलियन के रेवेन्यू का मालिक है? वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द राइज एंड फॉल ऑफ कार्टून नेटवर्क। नंबर वन, द बिगिनिंग। चलिए सबसे पहले कार्टून नेटवर्क की दुनिया में चलते हैं, इनके उस्ताद टेड टर्नर के साथ, जिनके कार्टून नेटवर्क को बनाने की वजह थी बच्चे। जी हाँ, बच्चे, क्योंकि वो चाहते थे कि 7 से 14 साल के बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड एनिमेटेड चैनल हो जिस पर वो 24 घंटे कार्टून देख सके और अपने बचपन को जी सके। और आपको तो पता ही होगा, टेड टर्नर ही दुनिया के पहले 24 आवर्स न्यूज चैनल CNN के भी मालिक थे। और बस इन्हीं सब चीजों से प्रेरणा लेकर हमारे बचपन को रंगीन बनाने के लिए 1992 में टर्नर ने लॉन्च किया कार्टून नेटवर्क, जिसने अपनी शुरुआत MGM's, फ्लाइशर स्टूडियोज और हैना बारबरा प्रोडक्शंस की एनिमेटेड वीडियोस को $320 मिलियन पे करके खरीद लिया, ताकि वो इनके शोज को अपने चैनल पर दिखा सके। अब फ्रेंड्स, अगर आपको नाम समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वही एनिमेशन स्टूडियोज है जिसने स्कूबी डूबी डू, योगी बेयर एंड द फ्लिंटस्टोन्स जैसे कई पॉपुलर कार्टून्स को बनाया, जिसका नाम USA के घर घरों में जाना माना हो गया। इसके बाद अब जाहिर सी बात है, कार्टून नेटवर्क का काम बढ़ रहा था, तो चैनल की जरूरतें भी बढ़ रही थी और उन्हें एक वीपी की जरूरत थी। और तब बेटी कोहेन, द फर्स्ट ऑफिशियल वीपी ऑफ CN की एंट्री हुई। पर अभी भी मिल रही पॉपुलैरिटी के बावजूद कार्टून नेटवर्क टर्नर के 24 घंटे टेलीकास्टिंग वाले प्लान्स के हिसाब से लॉन्च नहीं हुआ था, और इसीलिए काफी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद बेटी और टर्नर ने मिलकर लॉन्च किया दुनिया का पहला 24 आवर्स कार्टून चैनल कार्टून नेटवर्क, जिसे आप कभी भी ऑन करोगे 24 घंटे में तो आप अपने मनपसंद शोज देख पाओगे। और इस पर दिखाया जाने वाला पहला कार्टून था टॉम एंड जेरी का जुड़वा भाई रैप्सोडी रैबिट, जिसे लॉन्च के फौरन बाद ही 2 मिलियन यानी कि 20 लाख घरों में देखा जाने लगा। लेकिन इस सक्सेस से भी टर्नर और बेटी कोहेन को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने चैनल को हर घर में दिखाना चाहते थे, और उस टाइम पर कार्टून नेटवर्क पूरे दुनिया में मौजूद 18,000 चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ 233 केबल सिस्टम्स में ही शामिल था। और इसीलिए दोनों ने मिलकर एक तरकीब लगाई, जिसके मुताबिक उन्होंने कार्टून नेटवर्क को अपने ही बाकी दो नेटवर्क्स TNT और TBS के साथ मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से जिस घर में भी TNT और TBS में से कोई भी एक चैनल होता, उन्हें कार्टून नेटवर्क का भी सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता था। और फिर मर्जर का ये कर्म करने के बाद आई फल खाने की बारी, और जानते हो, इस मर्जर के फल स्वरूप 1994 में कार्टून नेटवर्क द्वारा हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड सेट करके मिले। कार्टून नेटवर्क US का 5th मोस्ट पॉपुलर चैनल बन गया था। और हालांकि ये बात तो कुछ और है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी कार्टून नेटवर्क के ओनर्स सैटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो अपने ऑडियंसेस को कुछ नया दिखाना चाहते थे, वही जूने पुराने रिपीटेड शोज नहीं दिखाना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने पहले एक एक करके अपने सभी पुराने कार्टून्स को बंद कर दिया और फिर चैनल पे अपने ओरिजिनल कार्टून्स को दिखाना शुरू कर दिए। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, कि आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा, मैं जानता हूँ ये आपकी मेहनत की कमाई है, और स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक हल है एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड विद क्वालिटी स्टॉक रिसर्च, पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस दे सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से है। इनके पास 22 लाख प्लस कस्टमर्स है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ 0 मेंटेनेंस चार्जेस है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा, और मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी दे रहा है जो बताता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर बिल्कुल फ्री भी मिलेगा। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हो, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000। इसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे, साथ में आपको 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स एंड ₹1,000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए ऑनलाइन। जिसकी शुरुआत हुई व्हाट ए कार्टून के स्पिन ऑफ एक शॉर्ट सीरीज डेक्स्टर्स लेबोरेटरी से, जो कि इतना फेमस हुआ कि आज तक 90s के लोगों को डेक्स्टर की जादुई लेबोरेटरी याद होगी। फिर उसके बाद 1997 से लेकर 1999 के बीच में नंबर आया कार्टून नेटवर्क के ओरिजिनल लड़की बाज यानी कि जॉनी ब्रावो, जो कार्टून भी काफी फेमस हुआ। और उसके बाद बारी आई बहादुर ट्रायो द पॉप ऑफ गर्ल्स की। बहुत ही जल्दी डरपोक कुत्ते यानी कि करेज द कावर्डली डॉग ने भी फॉलो किया और ऐसे ही कई सारी शॉर्ट सीरीज बनने लगी। बाय द वे, बाकियों का छोड़ो, जिसे देखने के लिए मैं खुद स्कूल नहीं जाने के बहाने ढूंढता था, लेकिन कार्टून नेटवर्क की फेमस सीरीज की बात, क्योंकि वही तो एक ऐसा शो था जो चैनल ने थोड़ा सा हटके अपने जॉनरा को अलग करके बनाया था। और यही एक्सपेरिमेंट चैनल के लिए इतना लाभदायक साबित हुआ कि इसे 10 सालों तक चैनल पर कंटिन्यूअसली दिखाया गया। कार्टून नेटवर्क को उसके मालिक लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक और तरकीब लगाई, जिसके लिए चैनल ने शुरू किए 2 टेलीकास्टिंग ब्लॉक्स। एक था कार्टून नेटवर्क फ्राइडे और दूसरा था बूमरैंग, जिनकी वजह से कार्टून नेटवर्क 2001 में सबसे पॉपुलर चैनल तो बन गया, लेकिन उसके बाद चैनल को और ग्रो करने में कार्टून नेटवर्क को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। और CN का पहला चैलेंज था रिलेटेबिलिटी, क्योंकि 1999 में CN जो भी शोज या एपिसोड्स अपने ऑडियंस को दिखा रहा था वो अपने सीरीज फॉर्मेट में नहीं थे। कोई भी एपिसोड एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होता था, जिसकी वजह से बच्चों को हर एपिसोड टूटा टूटा लगता था और बच्चों को शोज बोरिंग लगने लगे थे। और फिर कार्टून नेटवर्क के सामने आया एनिमेशन के रूप में दूसरा चैलेंज, और इसकी वजह थी कार्टून इंडस्ट्री में एनीमे की दस्तक। ये वही एनीमे है जिसने सन 2000 में शिनचैन को हंगामा और निकेलोडियन पर लॉन्च किया था और जिसका हर एपिसोड बच्चों के दिमाग में अपना घर बनाने लगा था। और वही कार्टून नेटवर्क अभी भी अपने चैनल पर वही एड एंड एडी और फॉस्टर होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स जैसे घिसे पिटे और आउटडेटेड शोज ही दिखा रहा था। इसके बाद बारी आई मार्केट में बढ़ रहे मुकाबले की, और यही था कार्टून नेटवर्क का अगला चैलेंज जो था कॉम्पिटिशन का। बिकॉज आगे बढ़ने के लिए कार्टून के बाकी चैनल्स हंगामा, निकेलोडियन, डिज्नी सभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, अपने निच को बदलने लगे थे। और हंगामा तो अपने चैनल पर डोरेमोन जैसा एडल्ट एनीमे भी बनाने लगा था। यस, डोरेमोन एक एडल्ट एनीमे है, उसे दिखाकर उन्होंने मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद रेस में बने रहने के लिए निकेलोडियन और डिज्नी ने दिखाना शुरू किया रियलिटी एंड लाइव एक्शन शो हैना मोंटाना, स्वीट लाइफ ऑन डेक जो कि स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी था पहले, दैट्स सो रेवन एटसेट्रा एटसेट्रा। पर हमारा कार्टून नेटवर्क हाथ पे हाथ धरे बैठा था जब दुनिया इतनी बदलती जा रही थी, और इसके वजह से उसी के ऑडियंस दूसरे चैनल्स पर शिफ्ट होने लगे थे। टाइम तो हर किसी के पास लिमिटेड होता है, आप या तो कार्टून नेटवर्क देखोगे या तो डिज्नी या फिर हंगामा, राइट? पर इतने बड़े चैनल के गायब होने के लिए ये सारी वजह तो फिर भी छोटी थी, और इसीलिए चैनल में भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से एक्चुअली में कार्टून नेटवर्क के डाउनफॉल करीब आने लगा, जिसे एक्चुअली CN के डाउनफॉल का एरा कहा जाता है। और डाउनफॉल का ये एरा शुरू हुआ अमेरिकन ऑनलाइन AOL के मर्जर के साथ। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, बस यही हाल था कार्टून नेटवर्क के मालिक टेड टर्नर का, जिन्होंने अपने चैनल को मार्केट में बचाए रखने के लिए साल 2000 में टाइम वॉर्नर की अमेरिकन ऑनलाइन कंपनी के साथ मर्जर करवा दी। पर यह मर्जर ऑडियंस को रास नहीं आया, क्योंकि इस मर्जर ने हैना बारबेरा प्रोडक्शंस के आइकॉनिक शोज जैसे कि स्कूबी डू, काउ एंड चिकन को दिखाना बंद कर दिया था और अपने ही शोज दिखा रहे थे, जिन्हें देख के ऑडियंस नए नए शोज को पुराने से कंपेयर करने लगी थी, जिसकी वजह से चैनल और टर्नर दोनों के लिए ये मर्जर एक ट्रेजेडी साबित हुआ। फिर दूसरा वक्त था बेटी कोहेन के रेजिग्नेशन का वक्त, क्योंकि इतने बड़े मर्जर का ट्रेजेडी में बदलना CN के VP को इस कदर खटकने लगा था कि उन्होंने 2001 में खुद अनाउंस किया कि वो कार्टून नेटवर्क के प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ रही है। हालांकि उनके रेजिग्नेशन की असल वजह का पता किसी को नहीं है, लेकिन ये सच तो है कि कार्टून नेटवर्क ने अपने लीडर और अपने हिट शोज की जान तो खो दी थी, क्योंकि बेटी के मौजूदगी में ही तो चैनल को अपनी आइडेंटिटी मिली थी, और उन्हीं पॉपुलर शोज की वजह से भी। और VP के रेजिग्नेशन से हो रही बदनामी के चलते चैनल को जरूरत थी रीब्रांडिंग की, क्योंकि अपनी खोई पहचान को चैनल हर हाल में वापस लाना चाहता था। इसीलिए उसने 2004 में कार्टून नेटवर्क की रीब्रांडिंग की, जिसमें सबसे पहले चैनल के लोगो को इस डिजाइन से बदलकर ये डिजाइन कर दिया गया, विद ऑफ कोर्स अ न्यू स्लोगन, दिस इज कार्टून नेटवर्क।
वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये वही टाइम था जिसमें जैसे लोगों से कार्टून नेटवर्क को तोड़ मरोड़ और ऊपर नीचे करके अलग कर दिया गया था, ठीक वैसे ही चैनल से धीरे धीरे सभी पुराने शोज को भी बंद कर दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, कार्टून नेटवर्क ने अपने पैर पर कुछ इस कदर कुल्हाड़ी मारी थी कि अपने सबसे पॉपुलर शोज एड एड एंड एडी तक को भी बंद कर दिया गया था, जिसे व्यूअर्स आज तक चैनल का सबसे लोएस्ट पॉइंट मानते थे। लेकिन टर्नर अपने कार्टून नेटवर्क को लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहता था और इसीलिए उन्होंने ऑडियंस को दिखाना शुरू किया लाइव एक्शन शोज। और इसीलिए तो कार्टून नेटवर्क ने अपने फोकस को कार्टून से हटाकर लाइव एक्शन शोज पर शिफ्ट कर दिया और अपने बाकी कंपेटिटर्स की तरह 2009 में शुरू किया नया प्रोग्रामिंग ब्लॉक CN Real। You're watching Cartoon Network is a visual aid. This is our Cartoon Network programming visual aid. इसमें The Other Sider, Brain Rush, Destroy Bill Destroy, Dude, What Would Happen and Bobby Says जैसे कई शोज टेलीकास्ट किए। हालांकि अपनी इस रेस में चैनल तो आगे कंपटीशन में निकल गया था, लेकिन उसकी ऑडियंस वहीं रहकर चैनल पे उन्हीं शोज को देखना चाहती थी जो उसके टाइटल को जस्टिफाई करे। पर जब ऐसा नहीं हुआ तब ना चैनल को अच्छे रिव्यूज मिले और ना ही अच्छी रेटिंग। नतीजन सब धीरे धीरे अपने फेवरेट चैनल कार्टून नेटवर्क को भुलाकर आगे बढ़ते चले गए। चले गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं जो गिरकर उठना जानता है वही एक बड़ा ब्रांड बन पाता है, और इसीलिए इतने बड़े बड़े डाउनफॉल्स और ऑडियंस के बीच अनपॉपुलर होने के बाद भी चैनल ने कभी भी हार नहीं मानी और मार्केट में बने रहने के लिए उसकी कोशिशें अब भी जारी है। हालांकि चैनल ओनर्स ने इतना सब होने के बाद भी कभी भी हार नहीं मानी और बदलते वक्त के साथ अपने तरीकों भी बदलने की पूरी कोशिश की। तभी तो जहां हम पहले अपने फेवरेट कार्टून्स को सिर्फ टीवी चैनल पे ही देख सकते थे, वहीं अब कार्टून नेटवर्क ने उसके लिए अपना खुद का एक ऐप लॉन्च कर दिया है जिस पर बच्चे कार्टून्स देखने के साथ ही अपने फेवरेट कार्टून बेन 10 का भी गेम खेल सकते हैं। साथ ही अपने नुकसान से सबक लेते हुए 2010 में चैनल ने अपना लोगो और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दोनों बदल दी और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द पावरपफ गर्ल्स एवेटार के इंटरैक्टिव मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च किया, जिसमें यूजर्स को अपनी फेवरेट द पावरपफ गर्ल्स के अवतार को ड्रॉ करना था और उनके कपड़े डिजाइन करने रहते थे। ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल हुआ था कि सिर्फ एक हफ्ते में 12 मिलियन लोगों ने द पावरपफ गर्ल्स के अवतार को ड्रॉ किया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते कार्टून नेटवर्क फिर से चर्चे में आने लग गया। और तो और, अपने ऑडियंस से जुड़े रहने के लिए कार्टून नेटवर्क ने पैंडेमिक के वक्त भी अपने अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज करके इंग्लिश और हिंदी में एक रैप सॉन्ग बी क्लीन बी कूल नाम से भी बनाया। जिसका वैसे तो मकसद था अपने ऑडियंस तक हेल्थ और हाइजीन के मैसेज को पहुंचाना, पर इसके साथ ही चैनल अपने आप को भी लोगों के दिलों में जिंदा रखना चाहता था और इसीलिए उसने नए जमाने के नए तरीके को अपनाकर ये सॉन्ग तैयार करवाया था। और इन सब बातों से कुल मिलाकर यही पता चलता है, जैसे कार्टून नेटवर्क ने $500 मिलियन से सफलता की सीढ़ी चढ़ी, ठीक वैसे ही उसने फेलियर का मुंह भी कुछ इसी तरह देखा कि लोग अपने बचपन के साथ ही कार्टून नेटवर्क का ही जिक्र तक कहीं नहीं कर पा रहे थे। पर ये टेड टर्नर के रगों में दौड़ने वाला बिजनेसमैन का खून था जिसने उनसे कभी हार नहीं मनवाई और इसीलिए तो कार्टून नेटवर्क ने वार्नर मीडिया के साथ हाथों में हाथ डाले वो मुकाम हासिल कर दिया जिस पे वो आज खड़े हैं। मतलब कार्टून नेटवर्क अपने बाकी के चैनल्स के साथ $19.47 बिलियन यानी 14 लाख करोड़ की वैल्यू पे खड़ा है और इसकी वजह थी नए जमाने के नए तरीके, टीवी से हटके फोन टैब्स वाले मॉडर्न सलीके और सही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब फ्रेंड्स, आप मुझे बताना क्या लगता है आपको, इन सलीकों की मदद से कार्टून नेटवर्क आगे मार्केट में टिक पाएगा या जल्द ही उसका डामाडोल हो जाएगा? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर टेड टर्नर और हमारे कार्टून नेटवर्क की अप्स एंड डाउन्स की कहानी आपको अच्छी लगी, इससे कुछ सीखने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट माय फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।